कर्मियों पर डकैती की दर्ज एक FIR। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के ओमेक सिटी के फ्लैट नंबर 110 में दबिश देकर 3 करोड़ रकम बरामदगी के मामले में आया नया मोड़। SSP लखनऊ कालानिधि थनेथानी ने भ्रष्टाचारी दरोगा पर कड़ी कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। SSP के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर पवन मिश्रा, SI आशीष तिवारी को निलंबित कर दिया गया। हिरासत में लिए गए पुलिस कर्मियों से पूछताछ जारी है। बड़ी रकम की बरामदगी पर शक होने पर SSP ने SP ग्रामीण IPS विक्रांत को मौके पर भेजा तथा जांच के लिए निर्देश दिए। जांच में सच्चाई उजागर होने पर कोयला व्यापारी अंकित की तहरीर पर गोसाईगंज थाने में FIR दर्ज की। रकम लेकर फरार मधुकर मिश्रा की धरपकड़ जारी। कांस्टेबल प्रदीप कुमार भदौरिया को भी निलंबित कर दिया गया। गिरफ्तार अराजी ने स्वयं को मधुकर मिश्रा का भवन मिश्रा का परिचित बताया। थाना गोसाईगंज में एक खबर आई कि वहां पर एक फ्लैट में, फ्लैट नंबर 104 ओमेक्स अपार्टमेंट में काफी मात्रा में वहां पर धनराशि पाई गई है। वहां पर चौकी इंचार्ज मौजूद है, पूर्व से 2 दरोगा वहां पर मौजूद है। और इस पूरी घटनाक्रम में जो है वहां पर मौके पर मेरे द्वारा CO को और एडिशनल SP जो SP आ रहे हैं इनको मौके पर भेजा गया और कहा गया कि पूरी जांच वहां पर CCTV फुटेज को देखा जाए। इसके अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स के अधिकारियों को वहां पर बुलाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में जब वहां पर CCTV खंगाली गई तो वहां पर पाया गया कि वहां पर जो तथाकथित मुखबिर एक था, जो वहां पर जो पवन मिश्रा जो दरोगा है, जो कुछ ही दिन पहले पुलिस लाइन में गैरहाजिर होकर जिसने आमद कराई है, इसको एक मुखबिर मिला मधुकर मिश्रा जिसने खुद को वकील बताया था और इसने कहा था कि भारी मात्रा में धनराशि वहां से बरामद करवा लेगा। पवन मिश्रा जो है मधुकर मिश्रा के साथ इसने जो समझ में आया कि वहां पर ये पूरा बरामदगी का इन लोगों का जो भी प्लान था, इसमें इस प्लान के तहत ये लोग वहां पर पहुंचे थे। और थाने का एक और सब इंस्पेक्टर आशीष तिवारी को इसमें इन्वॉल्व किया गया। ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, पैसा जब बरामद हुआ है उसके बाद जो तथाकथित मुखबिर था मधुकर मिश्रा, CCTV वगैरह खंगाले गए तो दिखा कि वहां से कुछ बैग जो है वो वहां से एक गाड़ी निकलवा लिए गए हैं। इसी बीच इस पर वादी ने एक आपत्ति जाहिर करते हुए ये कहा गया कि उसका जो है धनराशि वहां पर कम हुआ है। उस आपत्ति के आधार पर थाने पर मधुकर मिश्रा, पवन मिश्रा जो सब इंस्पेक्टर है, आशीष तिवारी जो सब इंस्पेक्टर है और मधुकर मिश्रा के साथ जो 3-4 लोग अन्य आए थे, इनके विरुद्ध अंतर्गत IPC 395 और IPC 397 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों दरोगा से सघन पूछताछ जारी है तथा जो तथाकथित मुखबिर मधुकर मिश्रा जो भाग गया है इसकी धरपकड़ जारी है। इसमें वादी ने आरोप लगाया है कि कुल उसमें जो अमाउंट जो वादी के हिसाब से है वो 3 करोड़ 85, वादी ने जो अमाउंट बताया है वो 3 करोड़ 38 लाख के आसपास बताया है, जिसमें से उसका ये कहना है कि 1 करोड़ 53 लाख मेरे को मिल गया है और 1 करोड़ 85 लाख वहाँ से मिसिंग है। इस मिसिंग अमाउंट के प्राप्त करने के लिए मधुकर मिश्रा जो है इनकी धरपकड़ वहाँ पर जारी है। जो वादी पक्ष के लोग हैं ये वहाँ पर 8 लोग हैं, इसमें से एक व्यक्ति तो मेन आदमी है, अंकित अग्रहरी है और इनके साथ ही 7 आदमी वहाँ पर थे। ये अलग इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनके द्वारा इनके पास पट्टे रहे हैं पहले से और ये कोयले का भी बिजनेस करते हैं, इनके कई बिजनेस हैं और उसी की आमदनी से ये अपना पक्ष रख रहे हैं। ये और जो आयकर के जो वहाँ पर अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं वो रुपए की जानकारी कर रहे हैं कि इतने अमाउंट में इनके पास पैसा जो है वो किस तरह से आया है, तो उस आयकर की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो उन्होंने आरोप लगाए हैं पुलिसकर्मी पर उसको गंभीरता से देखते हुए अभियोग पंजीकृत है, विवेचना प्रचलित है। इन दोनों ही पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा निलंबित किया जा चुका है।